देखिए भक्ति में लीन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को, जो इंदौर के गेंदेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। साथ में बल्लामार बेटे आकाश भी नजर आ रहे हैं। विवादित बयान देने वाले कैलाश आज भगवान के भजन कर रहे हैं। वहीं हाथ में बल्ला लेने वाले आकाश के हाथ आज भगवान की शरण में ताली बजा रहे हैं। अक्सर ही विवादों में रहने वाले कैलाश और आकाश जब मंदिर पहुंचे तो मीडिया के सवालों से घिर गए। जब इस दौरान मीडिया ने आकाश की जमानत को लेकर सवाल पूछे तो यहां महासचिव अपने बेटे का पक्ष लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, आकाश ने किसी बिल्डर के लिए झगड़ा नहीं किया बल्कि एक विकलांग महिला के हक के लिए नगर निगम के अधिकारियों से लड़ाई की थी। सीएम कमलनाथ के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा, ये कांग्रेस का सबसे बुरा समय है। बातों बातों में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी चुटकी ली। अध्यक्ष जी के साथ से, गृह मंत्री जी के साथ से कल हमारी बंगाल के संबंध में बैठक भी हुई 2-3 घंटे। उन्होंने इतना ही पूछा कि आकाश की जमानत होगी मिलकर होगी। कल मकान टूटा है, वो जिस मकान को लेकर विवाद था, क्या मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि आकाश ने अगर झगड़ा भी किया तो किसी बिल्डर के लिए नहीं किया, एक विकलांग महिला और एक गरीब परिवार के लिए किया, और महिलाओं के सम्मान के लिए किया। उस घर में कोई पुरुष नहीं था, पुरुष किसी मैयत में गए थे, उन्होंने बोला हमारे घर में रिश्तेदार के मैयत थी, आपको समय दो। मैं समझता हूँ इतनी मानवीयता नगर निगम के अधिकारियों को होना चाहिए। प्रदेश में कमलनाथ जी का इस्तीफे की चर्चा चल रही है, इस्तीफों का दौर चल रहा था, कांग्रेस में लगता है कि अब कुछ परिवर्तन होगा तो उसमें कुछ बदलाव आएगा प्रदेश में उनकी राजनीति में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस में हो क्या रहा है, सब इस्तीफा दे रहे हैं और कौन अध्यक्ष बनेगा। ऐसी दुर्गति कभी भी कांग्रेस की नहीं जिसकी आज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का सबसे खराब। राहुल जी को क्या मार्गदर्शन देना चाहिए था? अरे वो तो प्रकांड विद्वान है, उनको हम क्या मार्गदर्शन। हम तो चाहते हैं कि इस प्रकार राजनीति करते रहे तो मोदी जी 25 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। आपको बता दें कि नगर निगम अधिकारियों से मारपीट के मामले में शनिवार को आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत से जमानत मिली थी, इसके बाद वो इंदौर जेल से रिहा हो गए। इस दौरान आकाश ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे दोबारा बल्लेबाजी करने का अवसर ना दें। दरअसल 26 जून को निगम अधिकारी धीरेन्द्र बायस टीम के साथ एक जर्जर मकान को ढहाने के लिए पहुँचे थे। इस दौरान आकाश वहाँ आए और टीम को बगैर कार्रवाई के लिए जाने को कहा, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी और आकाश ने नाराज होकर बैट से अधिकारी की पिटाई कर दी। शुक्रवार को बैट की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। न्यूज डेस्क।